ओके सर, तो यहाँ पे मैं लेंस अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से ही मैं अप्लाई करती हूँ अपने फिंगर से, सॉल्यूशन से वॉश करने के बाद। एंड लुक एट दिस कलर। सो नेक्स्ट आई पे भी मैं उसी तरह अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ मॉइस्चराइज़र से, निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र फॉर ड्राई स्किन। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। एंड यहाँ पे ऑल टाइम फेवरेट स्टेक वर्की का लिक्विड प्राइमर है। ड्राई स्किन के लिए प्राइमर बेस्ट है, मॉइस्चराइज़र आप स्किप कर सकते हो अगर आप ये प्राइमर अप्लाई कर रहे हो तो, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। ओके, नेक्स्ट आई एम यूजिंग कंसीलर, दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया मेरा कंसीलर, पर ये गो टू मेकअप में मैं जैसे बता रही हूँ कि डे टू डे में मैं यही यूज़ करती हूँ कंसीलर डेली। नो फाउंडेशन, नो एक्स्ट्रा BBCC क्रीम, बस मैं यही अप्लाई करती हूँ। एंड इस तरह से मैं जूम करके बता देती हूँ कि किस तरह से इवनली स्प्रेड होता है मेरी स्किन में, अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, अच्छे लगता है, इवन लगती है मेरी स्किन। फाउंडेशन के ज़रा कवरेज रहती है इसकी। एंड यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर, मैंने इसके लिए इस तरह से जूम में बताया बिफोर एंड आफ्टर। एंड नेक्स्ट साइड भी मैं इसी तरह ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से ब्रश से। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं, पर कंसीलर का अमाउंट कम था इसके लिए मैं ब्रश यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट लक्की ब्यूटी का येलो बनाना पाउडर लिया है मैंने। अगर आपकी डार्क सर्कल से, डार्क पैचेस है, तो आप येलो टोन पाउडर ही यूज़ करें, ना कि वाइट टोन। उसके बाद सबको सेट करने के लिए मैं फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ शेड 01। एंड ये कॉम्पैक्ट थोड़ा फेयर टोन में है, तो थोड़ा हाइलाइटिंग इफेक्ट मिलता है, एक्स्ट्रा कवरेज जो मुझे चाहिए, डबल कंसीलर ना लगाना पड़े। सो यहाँ पे मैं मैक का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। शीन ब्लश है ये, ऑरेंज कोरल टाइप कलर का ब्लश है, और मैं यही लगाती हूँ ताकि फ़ोटो वगैरह क्लिक करूँ तो उसमें लुक अच्छा आए। ब्लश का मोस्टली पिक में नहीं दिखता क्लिक करने के बाद। सो इस तरह से थोड़ा मैं हैवी ब्लश अप्लाई करती हूँ एवरी टाइम। एंड यहाँ पे मैक प्रेपल प्राइम का फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। एंड सबको सेट करने के लिए नेक्स्ट मैं नियोन लाइट का ये आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी पिगमेंटेड आई शेडो, बहुत पिगमेंट है इसकी। पाउडरी हल्का सा है, थोड़ा सा डस्ट करेंगे तो आता है, देखो मैं अप्लाई करके बता रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ही पिगमेंट है। एंड यहाँ पे मैंने कंसीलर नहीं लगाया क्योंकि मेरे जो डार्क शेड है आई के ऊपर, उसी के ऊपर से ये आई शेडो थोड़ा अच्छा दिखता है। एंड यू नो थोड़ा इफेक्ट आता है आँख पे अच्छा। इसके जगह आप पीच, पिंक, कोरल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑरेंज शेड यूज़ कर रही हूँ, दो कलर यूज़ कर रही हूँ। इस टाइम मैंने थोड़ा डार्क करके बताया, मोस्टली मैं डेली जब करती हूँ तो लाइट कलर ही यूज़ करती हूँ ताकि वीडियो में अच्छा आए, करके मैंने डार्क यूज़ किया है। एंड नेक्स्ट रेवोल्यूशन का मैंने शैडो पैलेट लिया अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए। एंड इसी तरह से मैं आईब्रो को फिल करती हूँ पाउडर के बेस से, पाउडर केस से। क्रीम प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, स्पेशली इन रेनी सीजन में क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, जबकि क्रीम प्रोडक्ट ही यूज़ करना चाहिए। बट ये आई शेडो काफ़ी पिगमेंटेड होता है एंड फिक्सर मारने के बाद ये स्टे कर जाता है। ओके, सो इसी तरह मैं नेक्स्ट अपनी आईब्रो को भी इसी तरह फिल कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। एंड देन मैं कोमिंग से अपनी ब्राउज को सेट कर रही हूँ अच्छे से ताकि इवनली सेट हो जाए प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैं शील्ड्स का सिल्वर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ इन द शेड डायमंड बोल सकते हैं आप। एंड इस तरह से मैं अपनी नोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ ताकि नोज़ शार्प दिखे। अगर आपकी नोज़ नहीं है मेरी तरह तो आप इस तरह से हाईलाइटर लगा सकते हैं। एंड ऑलरेडी ब्लश में शीन इफेक्ट था, हाईलाइटिंग इफेक्ट था, तो इसके लिए मैं बहुत हल्का अपने चीक्स पे हाईलाइटर लगा रही हूँ। नेक्स्ट हिलेरी रोडा की लिपस्टिक लगा रही हूँ इन द शेड ब्राउन, एंड शेड नंबर 28 है ये। एंड नेक्स्ट मैं मालियो का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ वाटरप्रूफ मस्कारा। एंड ये इस तरह से थोड़ा बहुत वॉल्यूम देता है। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मालियो का ही काजल, वाइट काजल। एंड येस मैं ये डेली अप्लाई करती हूँ वाइट काजल एंड ऑल, क्योंकि मेरी आई भी छोटी है तो ताकि आई एकदम यू नो बाबी डॉल टाइप लुक का है, मुझे ऐसे लुक पसंद है। एंड मैं इसी तरह करती हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई गो टू मेकअप लुक, गेट रेडी विथ मी भी आप बोल सकते हैं। इसी तरह मैं डेली मेकअप करती हूँ अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो। एंड आई होप आप लोग को ये मेकअप लुक अच्छा लगे, मेरा अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें मेरे चैनल पे। एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।